जस्ट अभी अभी जो गोवा की नंबर वन कुछ वेबसाइट्स पे कहते हैं हॉन्टेड प्लेस, कुछ वेबसाइट्स पे कहते हैं नंबर सेकंड हॉन्टेड प्लेस जो कि है डिमेलो हाउस, उसका डे शूट करके निकले हैं। अब सोचा है, क्या सोचा है तू बता, क्या सोचा है? सोचा ये डे की वीडियो है, तो डे में तो यार एक दिन में दो लोकेशन पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे बस आपको ये दिखाना होता है कि लोकेशन किस टाइप की है और कैसी है, ताकि जब हम रात में नाइट स्पेंड करें वहां पे तो आपको पता रहे हम क्या दिखा रहे हैं, तुम क्या देख रहे हो तुम्हें पता। असल में जो एक और लोकेशन हमें मिली है ना हॉन्टेड, आप गूगल पे लिख लेना, क्या नाम है, राचोल, RACHOL विलेज, एक राचोल विलेज, उसके अंदर है राचोल सेमिनार की आर्क, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको हॉन्टेड बोलते हैं। एंड जस्ट यहाँ से 2.4 किलोमीटर है बस। पहुंच चुके हैं राचोल विलेज में, और ये दिख रहा है आपको गेट सा, यही है वो मेन स्पॉट जिसको बोला जाता है कि भाई हॉन्टेड है, हॉन्टेड है, हॉन्टेड है। स्टोरी अभी डिटेल में समझाता हूँ आपको। तो गाइज यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो सेमिनारी आर्क है ना, ये आज से नहीं, जब पोर्तुगीज क्या बोलते हैं उसको, वो राज किया करते थे ना गोवा में, वैसे पुर्तगाल ऐसे कुछ है ना, पोर्टिग्यूज ऐसे कुछ वर्ड है वो, क्या कम्युनिटी है कि क्या है वो समझ नहीं आता मेरे। जब वो बंदे रहते थे गोवा में तब से ये हॉन्टेड है। क्यों हॉन्टेड है, छोटी सी स्टोरी है। वो जो फोर्ट वगैरह है ना, ये उसका एंट्रेंस था, और एंट्रेंस पे सबको पता है कि 2-3 गार्ड खड़े रहते हैं ड्यूटी पे, ठीक है। सो उनमें से एक ऐसा गार्ड था जो यहाँ पे खड़ा रहता था अपनी ड्यूटी से, मतलब उसको ना बहुत प्यार था बहुत। फिर उसका क्या होता है, एक बार उसको ना किसी और जगह पे दूसरे फोर्ट में भेजने के लिए कहा जाता है कि भाई वहां पे ड्यूटी करो आप, यहाँ पे अब किसी और को लगा रहे हैं। लेकिन वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, बहुत ज्यादा प्यार था उसे इस जगह से। सो फिर उसके बाद में जो भी हुआ, उसके मरने के बाद भी ऐसा लोग कहने लगे कि यार उसको ये जगह इतनी पसंद थी कि आज भी कोई यहाँ से अगर जाता है ना, तो रात के टाइम पे अगर कोई यहाँ से पास करता है इस गेट के नीचे से, वो उसको रोकता है, और अगर वो पूछते हैं ना, जैसे दरबारी पूछते हैं कि हाँ भाई क्या काम है, आप कौन हो, आपकी क्या हैसियत है, आप उस लायक हो कि नहीं कि आपको राजा के पास जाने दें, वो सब चीजें वाला सिस्टम है। तो अगर उसको लगता है ना कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, ये है भाई, औकात है इसकी वहां जाने की उस लेवल पे, तो वो जाने देता है, अदरवाइज वो टाटा निकलो। ये स्टोरी है। अब एक गाड़ी से राउंड ले रहे हैं, बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं अच्छे से सेमिनारी आर्क, देख लो। असल में सीन पता क्या, यहाँ पे ना ये वन वे रोड है, तो सामने से गाड़ी आती है तो काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए गाड़ी ना ऐसे बीच में कहीं पे रोक नहीं सकते, समझ रहे हो। तो सामने ये सेमिनारी आर्क देखो एक बार, इंजॉय करो, व्यू देखो कैसा है, ताकि नाइट में आपको पता रहे। तो यार ये सामने देख रहे हो ना, ये यही है वो आर्क, और यहीं पर वो गार्ड खड़ा होकर ड्यूटी देता था अपनी, और कहते हैं आज भी वो ड्यूटी देता है बट नाइट में देता है। तो ये सिस्टम समझ नहीं आया थोड़ा कि डे में क्या आता, शिफ्ट चेंज होती है उसकी, तो ढंग से देख लो, यही है वो। बैक साइड से भी दिखाते हैं अभी, यहाँ से पीछे से कैसा लुक है इसका। अभी रोक लेते हैं गाड़ी इधर, तो आगे जगह दिख रही है थोड़ी सी, यहाँ गाड़ी रोक लेते एक बार और आपको बैक साइड से भी दिखा देते हैं कि कैसा लुक है। सो गाइज अभी अभी एंट्री मारी है उस गेट से, ठीक है, और ठीक ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाइट कलर का ये जो बिल्डिंग है, असल में अभी अभी यहाँ के बारे में ना थोड़ा सा पता किया हमने, तो उन्होंने बताया कि जिनको क्रिश्चियंस को फादर बनना होता है ना, वो इस स्कूल में आके स्टडी करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है A to Z, मतलब धर्म के बारे में सब कुछ ज्ञान दिया जाता है, और कुछ सेक्रीफाइस भी करने होते हैं, जैसे मेरे ख्याल से क्या शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, शादी नहीं कर सकते या शराब नहीं पी सकते, स्मोक नहीं कर सकते, इस तरीके की चीज़ें होती है शायद से, वो सब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये तो छोड़ना ही पड़ेगा शायद से, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पे। और एक बार बैक कैमरा से दिखाता हूँ, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस जगह के बारे में, यहाँ से शुरू हो जाता है ये। अच्छा, और अल्टीमेट लेवल का लुक है इसका, और बहुत आगे तक है वहाँ तक, ठीक है, और इसके बैक साइड में भी बहुत दूर तक है। और जो इंटरेस्टिंग बात है ना इसकी, वो ये है कि जो ये स्कूल है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा है, यहाँ गोवा में पूरे एशिया में सबसे बड़ा इधर है, तो बहुत ही औसम बात है कि नहीं है, है ना। अभी सीन क्या है कि
जिन लेडी से हमने पूछा था इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे जिसको स्टडी करनी होती है, उन्होंने ये बताया कि जो ये रचोल फोर्ट है ना वो यहीं कहीं था, उसके बाद में ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ऐसा कुछ उन्होंने ऊपर जो बताया है है। शायद और अंदर जो है राजा का जो शासन वगैरह था ना, जो सिंहासन वगैरह होता था, वो अभी भी रखा हुआ है अंदर, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है। लेकिन अपना मेन मोटिव है हॉन्टेड व्लॉग, तो राजा के पैलेस से या राजा से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है जहां अफवाह उस है। सेमिनारी आर्क से जो वहां पे है, क्योंकि वो जो पहरेदार है वो वहां पे ड्यूटी देता है रात को अभी अभी भी। भी तो ये सिस्टम है यहाँ का, अपना तो मेन मोटिव हॉन्टेड है ना, तो अपन को तो तो सिर्फ उसी से मतलब है रे। इन सब चीजों के अलावा जो एक सबसे बढ़िया बात लगी हमें, वो है यहाँ की शांति। शांति जो ये मतलब स्कूटी वाले भंग कर रहे हैं, अरे ये तो नॉर्मल बात है यार, ये क्योंकि रचोल एक विलेज है, लोग रहते हैं, तो आना ये जाना तो रहेगा। पीछे जो रोड जा रही है ये भी एक कॉलोनी में ही जा रही है इसके। लेकिन जो होता है ना चै चै पै पै पों वो नहीं है, पों हॉर्न बिल्कुल मार वो रहे नहीं हैं, है भीड़ भड़ाका हो रहा है, वो सब नहीं है, एक बार देखो आप। शांति। और पता क्या है, नहीं पता, ग्रीनरी ग्रीनरी तो पूरे गोवा में नेचर। है, पूरे गोवा में ग्रीनरी ग्रीनरी है भाई। तो अभी चल रहे अपन फिर से गाड़ी की तरफ, और हो गया ये तो, इससे पहले डिमलो हाउस का शूट कर लिया, अब इसका शूट कर लिया, अब नाइट होने का वेट करना है, नाइट तक हम लोग चिल मारेंगे। क्या चिल चिल मारेंगे बाबा, चिल मारेंगे। अब ये आर्क का बैक साइड देख लो, जो ये गेट है इसका बैक साइड देख लो, एकदम ऐसे ब्राउन ब्राउन पत्थर से बने हुए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर आपको यहाँ से जाना है तो आपको लेफ्ट से जाना है, आने वाले राइट से आएंगे, रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्स्टेंटली एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसा बताया था उन लेडी ने जिनसे अभी हमने बात करी थी। ये जो शॉप है ना, यही है वो लेडी जिनसे हमने अभी बात करी थी, और इन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफली अगर आप चलोगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मेन काम यहाँ पे एक्सीडेंट्स के है, क्योंकि रोड बहुत छोटी है। तो यहाँ पे आके ना यार मन को ऐसा शांति वाला मतलब एहसास एहसास हुआ, हुआ क्योंकि बहुत पीस थी इधर सच में। बहुत पीसफुल था बहुत। अभी वापस जा रहे हैं हम, पता नहीं किधर जा रहे हैं, हो सकता है कि थर्ड लोकेशन पे जा रहे हो शूट करने, क्योंकि अभी हमने पहली बार गोवा में इतनी जल्दी उठे हैं, और हमने कहा यार शूट करते हैं भाई, बहुत मौज ले ली, अब कुछ हॉन्टेड करा जाए, मौज बहुत ली, क्योंकि हमने आपको नॉर्मल व्लॉग्स में कहीं कहीं पार्ट में देख के समझ आ गया होगा कि तगड़ी मौज ली है इन्होंने, बोलना नहीं किसी को बताने का नहीं। तो यार चलो इतना ही था इस वाले व्लॉग में, बट नाइट में बहुत कुछ होगा क्योंकि नाइट में हम रुकने वाले हैं यहाँ पे, तो मजा आएगा, देखते हैं कुछ। नाइट में साथ में ड्यूटी देंगे उसके, हाँ अगर वो उसको मिल अकेला जाता है फील होता होगा ना, तो तो साथ साथ में। में ड्यूटी देंगे, तो मिलते हैं नाइट में, बाय।